जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी जो टीजर्स में दिख रही है, सभी खबरों में बाकी कुछ आपके प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो नीरज को दूसरी थ्रो ने जो है काफ़ी इसमें बढ़त दिलाई थी, बाकी किसी थ्रो में जो उतना अच्छा ना कर सके, जिसकी वजह से रजत पदक मिला। वहीं 32 साल बाद जो है पाकिस्तान के जो है अरशद नदीम को जो है 92.97 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल मिला के उपलब्धि चौथे प्लेयर हैं इंडिया के जो है नीरज चोपड़ा, जो कि डबल जीते हैं ओलंपिक में। तो चोपड़ा 33वें ओलंपिक में भारत को दिलाई है, पांचवा मेडल अब तक भारत को जो है मिल चुका है। वहीं कुछ करंट अफेयर्स की और बात कर लेते हैं परीक्षा की नज़र से, वहीं हॉकी में कांस्य पदक मिला है। वहीं बात कर लेते हैं 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को नामित किया गया है। याद रखिएगा 35 गाँव को नामित किया गया है। और RBI जो है लगातार 9वीं बार जो है रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया, तो रेपो रेट कितनी है ये पूछा जा सकता है, 6.50 है। और एक इम्पॉर्टेंट और बन सकता है कि लद्दाख में जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है एक अभ्यास का आयोजन किया गया है, उस अभ्यास के आयोजन का नाम पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो याद रखिएगा पर्वत प्रहार नाम से जो आयोजन जो किया गया भारतीय सेना का लद्दाख के क्षेत्र में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी परीक्षा। चलिए अब देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। चैनल पर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। SSC CGL की टीयर 1 की परीक्षा 9 सितंबर से होगी। 17,727 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक लिए गए थे आवेदन। लगभग जो इसमें बताया गया 40 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया, इसके बारे में भी कल की अपडेट की वीडियो में आपको बता ही दिया गया है। पूरी खबर देखिए तो कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL भर्ती 2024 की टीयर 1 परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 9 से 26 सितंबर तक होगी इसकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई। अगर किसी के आवेदन में कोई त्रुटि है वो 10 और 11 अगस्त को संशोधन भी कर सकता है। वहीं अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कागजी प्रस्ताव में फंसी राजकीय शिक्षकों के भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 और LT ग्रेड शिक्षक के 9000 पद खाली। ये हाल है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का और उत्तर प्रदेश अपना सेवा चयन आयोग को। अब इन्हीं आयोगों को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की भी भर्ती दी गई है। अभी तो बंटाधार उस भर्ती का हो ही गया जो कि साल के अंदर कंप्लीट हो जाती, तो उसकी भी खबर अभी आगे देखते हैं। पूरी खबर है कि राजकीय विद्यालय और राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती कागजी प्रस्ताव में फंसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, किन भर्तियों के लिए काफ़ी पहले अध्याचन मिल चुके लेकिन आयोग को शासन स्तर से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। जितने महीने मंजूरी न मिले उतने महीने वेतन रोक दो, मंजूरी खट से मिल जाएगी, क्योंकि यही एक प्रोसेस है इन लोगों को सुधार करने के लिए। क्योंकि इस प्रकार से भर्ती को उलझा के फंसा के रखना प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी सरकार हो या आयोग के हो कोई नहीं सोचता। अगर सोचता तो तय समय रहते भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी की जाती, कोई भी भर्ती प्रक्रिया साल में कंप्लीट नहीं हो पाई। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए लेकिन सरकार लगता नहीं कि विचार करेगी। जो भी होगा उसके बारे में अपडेट आपको बताया जाएगा। एल्टी ग्रेड शिक्षक नई भर्ती 2 चरणों में होगी। फला के सुधार की प्रक्रिया को लेकर के सिर्फ उलझाया गया है विज्ञप्ति को लेकर के। 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी और यह भर्ती एकल परीक्षा के माध्यम से कराई गई थी। ये 2018 की थी, उसके बाद 2024 आ गया, भर्ती का नामो निशान नहीं है। ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा का हाल विज्ञप्ति को लेकर के। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं राज्य कृषि सेवा के एक पद पर 153 अभ्यर्थियों की दावेदारी। यूपी के 5 जिलों के 91 केंद्रों पर 18 अगस्त को कराई जाएगी प्रारंभिक परीक्षा। 268 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 18 अगस्त होगी। इस बार एक पद के लिए 153 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की, यानी कि पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार स्पर्धा ज़्यादा कठिन होने जा रही है। पिछले भर्ती में एक पद पर 131 अभ्यर्थी थे, अब की बार 153 अभ्यर्थी हैं। वहीं NEET PG में अब जो है पसंद का परीक्षा केंद्र नहीं चुन सके, गड़बड़ी रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उठाया कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने NEET PG की गड़बड़ियों को रोकने के लिए कई कदम उठाए। इसके तहत छात्रों को राज्य के बाहर और पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प खत्म कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने गुरुवार को कहा कि फॉर्म में परीक्षार्थी जो पता भरेगा उसे यथासंभव आसपास के क्षेत्र में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। पहले लोग राज्य के बाहर या भीतर भी अपने पसंदीदा केंद्र की मांग कर लेते थे, तो जिसके लिए जो है अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अगली खबर है कि मिल्टन सिपाही परीक्षा पास कराने वाले गैंग का सरगना निकला। गैंग के 9 सदस्यों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी बरामद, 16 एडमिट कार्ड। ये बात हो रही दरभंगा पटना की। सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के 2 आरोपित को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के आधार पर जहानाबाद से जो है हिरासत में लिया गया। 3 सदर SDM की तरफ से जो है सिपाही भर्ती परीक्षा जो बिहार में थी उसमें जो है ये धरपकड़ की गई है। वहीं अब BTEC में सभी कोर्स में जो है सिर्फ पास होने पर मिल जाएगी डिग्री। IIT दिल्ली ने पढ़ाई में सुधार के लिए पॉलिसी में किया बदलाव। अब BTEC प्रोग्राम में सभी कोर्स में सिर्फ पास होने पर डिग्री मिल जाएगी। छात्रों का तनाव दूर करने और पढ़ाई में सुधार के लिए IIT दिल्ली ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया। पहले सभी कोर्स में पास होने के लिए 4-4 CGPA होते थे, लेकिन इसके साथ डिग्री के लिए 5 CGPA की जरूरत होती। संशोधित पॉलिसी में इसी 5 CGPA को शर्त को जो है हटाया गया है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर जो खबर अपडेट आपको जो है बहुत पहले ही एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे दे दिया गया, अब वो धरातल पे भी दिखने लगा है। इस भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही थी, अभी भर्ती प्रक्रिया जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधना सेवा चयन आयोग को तो कब ये कंप्लीट हुई पूरी खबर देखते हैं। आदेश जारी, अभी विद्युत सेवा परिषद कर्तन नियुक्ति कार्मिक विभाग की ओर से विकसित किया गया ई अध्याचन पोर्टल। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में अब विद्युत सेवा परिषद की बजाय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अधना सेवा चयन आयोग के जरिए भर्तियां होंगी। इस संबंध में कॉर्पोरेशन के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया। ऊर्जा विभाग में समूह ख और ग की भर्ती के लिए विद्युत सेवा परिषद बना हुआ है, इसी के तहत लेखा और अभियंताओं की भर्ती होती रही है। अब आयोग से भर्ती कराने के लिए ऑनलाइन ई अध्याचन भेजा जाएगा, सिर्फ कहने के ऑनलाइन ई अध्याचन है। ई अध्याचन ऑनलाइन जैसे था वैसे ऑफलाइन जैसे था वैसे ही ई अध्याचन भी हो रहे हैं। किसी प्रकार के विभागों में तेजी देखने को, क्योंकि पीडब्ल्यूसी में कुछ वैकेंसियों को लेकर के ई अध्याचन अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। आदेश जो कहाँ तक लोग अमल में लाते हैं ये दिख रहा है, क्योंकि विज्ञप्ति अब तक आ गई होती, अगर ई अध्याचन में प्रक्रिया तेजी से होती तो इसमें भी यही चीज़ किया गया है। आने वाले समय में विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब बात कर लेते हैं ईएसओ को लेकर के, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे ईएसओ को लेकर के। देखिए लेटर की जो डेट है निर्धारित करने की सीमा जो, उसका इंतजार आपको नहीं करना है। ये लेटर तो आएगा ही आएगा और नेक्स्ट वीक में लेटर आने शुरू भी हो जाएंगे, क्योंकि पोस्ट में थोड़ा बहुत लेट लतीफी हो जाती है, लेकिन जो डेट दी गई उस डेट में आपको प्रोविजनल वालों को जो है वो पहुंचना है आयोग उसी टाइम पे, बिना लेटर के इंतज़ार किए हुए। उस डेट में अगर लेटर आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो भी आपको जो है उसी डेट में पहुंचना है। तो ये चीज़ सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अपडेट होगा वो सारी अपडेट वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अपने फ्रेंड को भी शेयर करते और सब्सक्राइब भी किए रहें, निश्चिंत रहें। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट होगी वो अपडेट करके वीडियो बना दी जाती है, तो जैसे लेटर आएगा वैसे ही आपको वीडियो भी मिल जाएगी। बाकी के जो प्रश्न विज्ञप्ति को लेकर उसके बारे में पहले ही बताया गया, ई अध्याचन के माध्यम से जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक जो विज्ञप्ति आने के आसार कम है। इसमें जो है प्रतियोगी छात्रों के ढिलावाई का लाभ जो है आयोग और सरकार भरपूर उठाते हैं। इसमें प्रतियोगी छात्र आराम से बैठे रहें, आयोग आराम से विज्ञप्ति देता रहेगा। तो आने वाले समय में अभी काफ़ी समय लग सकता है एएसओ की विज्ञप्ति को लेकर के, जो भी अपडेट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। इन खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।